खेल रहे हैं, इरफान अल्फाबेट बताएंगे और फिर हम जो है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, एक मरतबा फिर आप सबको ईद मुबारक। और आज है ईद का तीसरा दिन, दूसरा दिन मैंने स्किप किया है। ईद के दूसरे दिन हमने किया आराम और मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया और हम तैयार भी नहीं हुए थे। तो गाइस, आज है घर में ईद मिलन पार्टी, फ्रेंड्स आ रहे हैं। तो आज मैंने जो है ये मरून ड्रेस पहना है, अभी आप लोगों को फुल लुक दिखाती हूँ। तो चलें आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और जी, इसके साथ मैंने पहने हैं गोल्डन शूज़ और साथ में गोल्डन बैंगल्स हैं और ये है मेरी पूरी लुक। तो चलें अभी हुर मीरब को भी तैयार करती हूँ। उनको मैंने जो है वो अभी तक तैयार नहीं किया है, तो मैंने सोचा उनको टाइम पे तैयार करती हूँ। फ्रेंड्स आते हैं तो मज़ीद व्लॉग जो है वो तब बनाएंगे। क्या बनाया है वो भी आपको नीचे चल के दिखाती हूँ। तो अभी जो है वो मीरब हुरब को मैं ये वाले ड्रेसेस पहनाने लगी हूँ। मैंने ईद के दूसरे दिन को ये नहीं पहनाए हैं और उष्णा जो है वो ये वाला ड्रेस पहनेगी। तो बस अभी बच्चों को तैयार करती हूँ और फिर दिखाती हूँ जी मीरब हुरब को। ये उष्णा का ड्रेस है। चलें भी, यहाँ पे हुरब हो चुकी है तैयार और थोड़ी देर में ये हर ड्रेस से इरीटेट हो जाती है, तो मैंने सोचा कि पहले इसी की बना लेते ये जितनी आपको हाँ, इसको बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता पिक्चर बनवाना और इसका मूड ख़राब हो जाता है, इसको कोई दूसरी ड्रेस पहनाए। इसको बस हर वक्त पजामा में रहना होता है। देखो इसका ईद वाले दिन पहन लेते हैं, अच्छे लगते हैं। थोड़ी देर के लिए पहन लो। देखिए इसको स्कार्फ नहीं पहनना है, दुपट्टा थोड़ी देर के लिए। अच्छा, अभी मीरब आती है तो उसकी भी ड्रेस दिखाते हैं आपको। और जी, यहाँ पे मीरब भी रेडी हो चुकी है। मीरब अपनी ड्रेस दिखाएं बेटे, सामने आए, सामने आए मेरा प्यारा बच्चा, वेरी नाइस। हाँ, इंशाल्लाह एवरीवन हैव अ गुड ईद। पीछे हो जाओ, पीछे ज़्यादा अच्छे से दिखती है ना। या लाइक दिस, बैंगल्स नहीं पहनी है लेकिन अभी तक मीरब, बैंगल्स पहन लेते हैं ठीक है। हाँ, और जी अभी यहाँ पे मैं लगाने लगी हूँ बिरयानी को दम, और मैंने जो है वो बिरयानी बनानी थी तो बस अभी बिरयानी को दम लगाने वाली हूँ। 8 बज रहे हैं, 8:30 का टाइम है, तो इसको दम लगा देती हूँ, मेहमानों के आने तक दम खुल जाएगा। और गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मेरा व्लॉग जो है वो एक दिन के लिए भी लेट होता है, तो मुझे आप लोग मैसेजेस करते हैं, पूछते हैं कि आपकी खैरियत है, व्लॉग नहीं आ रहा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। शायद यही एक चीज़ है जिसकी वजह से मैं आप लोगों के साथ जो है वो जुड़ी हुई तैयार होके आ चुके हैं। उसे भी हम लोग बनवाने लगे हैं पिक्चर्स। ओके जी, यहाँ पे गेस्ट आ चुके हैं हमारे क्यूट से, ये बॉयज। वालेकुम अस्सलाम। आज कुछ नहीं कहेंगे, ईद मुबारक नहीं कहेंगे। थैंक यू सो मच। आ गए हमारे क्यूट से बेबी से, माशाल्लाह सब माशाल्लाह जरूर कहें जब भी इस बेबी को देखें। ईद मुबारक। आपकी ड्रेस तो सबसे अच्छी होती है, स्माइल दो, स्माइल स्माइल। ये हैंडसम बॉय, हैंडसम, ये देखे इसकी ड्रेसिंग देखे, नीचे से ऊपर तक ये मैचिंग है इसकी। हाँ, चोना बेबी, माशाल्लाह। और जी, यहाँ पे सभी आना शुरू हो चुके थे और किसी भी किस्म की दावत हो मुझे होस्ट करना बहुत अच्छा लगता है। और ईद पे वन डिश पार्टी बाहर रहने वालों के लिए सही रहती है, इस तरीके से सभी मिलजुल के एंजॉय कर लेते हैं। और मेरी एक फ्रेंड जो है वो चिकन टिक्का बना के लाई थी और एक फ्रेंड ने वाइट सॉस पास्ता बनाया था, मैंने जो है वो बिरयानी बनाई थी, साथ में शामी कबाब थे, सैलड रायता, और इसके अलावा स्वीट भी मेरी तरफ से थी जिसमें शीर खोरमा और लेमन केक और एक केक जो है वो मेरी फ्रेंड लेके आई थी। तो इस तरीके से हमने मिलजुल के एक गेट टुगेदर जो है वो अरेंज कर ली थी। ओके जी, यहाँ पे खाना लग चुका है और ये है जी चिकन टिक्का और ये है वाइट सॉस पास्ता, बिरयानी, शामी कबाब एंड कोरमा, और इस तरफ रायता, सैलेड, कोल्ड ड्रिंक्स। हाँ, ये हुरब का बर्थडे है, ये आपका भी बर्थडे है। केक को देख के सब बच्चों को अपनी बर्थडे याद आ जाती है। हाँ, ये तो ईद केक है,
ईद केक है, बर्थडे नहीं है। ठहरो बेटे मैं देती हूँ, बच्चों से वेट नहीं हो रहा है। चलें जी, यहाँ पे मीठा भी लग गया है। ये है चॉकलेट केक, शीरखुरमा और साथ में है जी लेमन केक। तो अभी बस मैंने मीठा सर्व कर दिया, तो सभी जो है वो मीठा इंजॉय करेंगे। यहाँ पे चाय भी जो है वो तैयार हो चुकी है। बेटे आगे नहीं आना, आगे नहीं आना। चलें उठ ले जाए, लेडीज चाय ले लें। चले जी, पार्टी हो चुकी है ख़त्म और मैं जगह जगह से ये प्लेट्स जो है वो इकट्ठी करती फिर रही हूँ और अब मैं समेट रही हूँ घर और फिर उसके बाद जो है करते हैं कुछ आराम। यहाँ से भी चीज़ें उठा ली हैं। ये है जी गार्बेज बैग, इसमें ये सारा गार्बेज इकट्ठा किया हुआ है हम लोगों ने। ये वाला एरिया क्लीन कर लिया है, बस अभी ट्रॉली को जो है वो जगह पे रखना है। मजा आया मीरा? आंटी मेरी तो नहीं आई थी आज, बच्चे अपनी दूसरी आंटी को मिस कर रहे हैं। ये देखो बेटे, दुपट्टा आपने नीचे फेंका हुआ, ये बच्चों के काम है। ओके जी, आज का व्लॉग मैं इधर ही एंड करती हूँ और व्लॉग को लाइक जरूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे। देर पहले उठी थी और यहाँ पे बज रहे हैं 6:05 बजे। मैं सो के उठी हूँ क्योंकि मैं सोई भी सुबह 10 बजे और अभी सोच रहे थे कि बच्चों को बाहर लेके जाएं और देखते हैं कि बच्चों को कहाँ लेके जाना है। तो चले फिर आज के, हाँ फेस्टिवल, यहाँ पे फेस्टिवल लगा हुआ है साइड पे, तो चले। और आज जो है वो मीरा भूरब को मैं ये पहना देती हूँ क्योंकि कल हमारा जो है वो फ्रेंड की तरफ डिनर भी है, उधर मैं इन दोनों को ये वाले पहना दूंगी, ये पिंक फ्रॉक्स। तो अभी मैं ये वाले हाँ ये वाले दोनों पहना देती हूँ, वो आंटी की तरफ डिनर में पहनेंगे। ओके ठीक है, चलो हाँ मैं आप लोगों को रेडी करती हूँ जल्दी। आप ब्लू वन इज योर्स, यस दिस वन इज योर्स। ये कहाँ से मिली? इधर आओ सामने मेरे भूरब, इधर आओ ना सामने आओ, आज की ड्रेस तो दिखाओ अपनी ऐसे। ये इधर आओ मेरे सामने आ जाओ लाइट में। चले अभी हम लोग जा रहे हैं फेस्टिवल में और ये लोग कैट से खेलने लगे हैं, यहाँ पे कैट नजर आ गई है। चले इरफान चलते हैं, चलो भाई आओ। उष्णा उसेद, उष्णा उसेद आ जाओ, चले आ जाओ ना घर, घर तो लॉक करो, डोर लॉक करो, आ जाओ मेरे पूरे। ईद कैसी गुजरी? अच्छी गुजरी? हाँ सामने नजर आ रहे हैं ट्रैम्पोलिन, वो है लगे हुए, रौनक लगी हुई। यू वेलकम। अभी ट्रैम्पोलिन भी है ना? ये जी हम लोग आ चुके हैं अपने चाइना बीच। तो देखो पहले कहाँ जाना है आप लोगों को, पहले देख लेते हैं पूरे फेस्टिवल में है क्या। स्टॉल्स लगे हुए हैं, इधर ट्रैम्पोलिन है, खाने के स्टॉल्स भी हैं आई थिंक। चलो देखते हैं क्या चाहिए आपको, आगे तो चलो। वो देखो आओ आगे 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 आओ, ये वाले चिप्स नहीं लेते, वो दूसरे फ्रेंच फ्राइज लेते हैं। मैंने पैनकेक्स मिल रहे हैं। क्या खाने लगे हैं इरफान आप? बड़ा दिल कर रहा है कि वो फ्राइज पे शत्ता या फिर बलीला वगैरह। ये देखो
पर कोई नहीं, इरफान आप पतले हैं। कौन कहता है कि आप मोटे हैं? मोटे तो हम हैं। कोई नहीं, ईद है, इंजॉय कर ले। ईद के बाद वैसे भी आपने स्टार्ट करनी है। क्या लेके आना है? क्या चाहिए? डॉल? ये अच्छी वाली डॉल नहीं है, इट्स ब्रेकेबल। इसको ये बबल मिक्सर लेना, उसे हुरब को ले लिया आपने? चलो आपने, आपको नहीं लेना, नहीं लेना, चलो ठीक है। इरफान, इन्होंने ये दो चीजें, बबल मिक्सर है और 10 रियाल। ये ऐसे कैसे रख सकते हैं? सेफ होगा तो रखा हुआ है, यहाँ पे परमिशन तो नहीं होती। यहाँ से जी ले रहे हैं हम लोग फरीला। थैंक यू। उधर पीछे कुछ गेम्स वगैरह चल रही हैं, जिसका नॉइज आ रहा है इस वक्त। What is the capital of Nepal? Nepal. No? No, no, I know. हम लोग गेम खेल रहे हैं। इरफान अल्फाबेट बताएंगे और हम लोग कंजी ने। चलो ओके। कंट्री स्टार्टिंग विद W. Is that a country, Daddy? Kosovo. No. No, I promise. Kosovo is a state of Russia. No. Maybe it's already isolated. It's small. Starting with I. Bangladesh? Botswana, in Africa. Botswana. Bangladesh? Bangladesh. Hungary. Jordan. Jordan. Jamaica. Jordan.
Jordan. I said Jordan. तो गाइस ये था आज का व्लॉग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।